आज हम एनसीआरटी की कक्षा बारह के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ पांच प्रस रसायन का अध्ययन करेंगे इस भाग में हम कोलाइडी विलियन के बारे में अध्ययन करेंगे कोलाइडी विलियन क्या होते हैं किस प्रकार इन्हें बनाया जाता है इनके क्या गुणधर्म होते हैं ये वास्तविक विलियनों से कैसे भिन्न होते हैं किस प्रकार इनका स्कंदन किया जा सकता है और इनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं ये सब हम इस भाग में जानेंगे थॉमस ग्राहम ने विलय पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया कि या तो विलय पदार्थ क्रिस्टलाइड बनाते हैं या फिर कोलाइडी विलियन बनाते हैं परंतु ये वर्गीकरण पूर्ण रूप से सही नहीं था क्योंकि एक ही विलय जैसे सोडियम क्लोराइड जल में क्रिस्टलाइड विलियन बनाता है जबकि बेंजीन में कोलाइडी विलियन बनाता है अतः इस वर्गीकरण को पुनः सुधार किया गया इस वर्गीकरण के अनुसार विलयनों को तीन भागों में विभाजित किया गया वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन और निलंबन इनका मुख्य जो अंतर है वह कणों की आकार पर निर्भर करता है जैसा कि आप देख सकते हैं वास्तविक विलयन में कणों का आकार एक नैनोमीटर से कम होता है जबकि कोलाइडी विलयनों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है एवं निलंबन में कणों का आकार सो नैनोमीटर से अधिक होता है दृश्यता किसी भी प्रकाशिक से नहीं देख सकते वास्तविक को क्योंकि इसके कण काफी शुक्ष्म होते हैं के कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है जबकि निलंबन चूंकि इसके विलियनों के कण काफी बड़ी साइज के होते हैं अतः इन्हें नग्न आंखों से भी देख सकते हैं इसी प्रकार कुछ अन्य अंतर आप देख सकते हैं जैसे कि विसरण ये तेजी से विसरित होते हैं जबकि कोलाइडी विलियन के कण धीरे धीरे विसरित होते हैं निलंबन के विसरित होते ही नहीं है टिंडल प्रभाव वास्तविक वास्तव नहीं दर्शाते जबकि कोलाइडी विलियन टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति दोनों दर्शाते हैं निलंबन विलियन बहुत कम टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनियन गति दर्शाते हैं चूंकि हमें इस भाग में कोलाइडी विलियनों के बारे में पढ़ना है अतः हम कोलाइडी विलियनों का विस्तार पूर्वक अध्यन यहाँ पर करने वाले हैं एक कोलाइडी तंत्र दो अवस्थाओं का बना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें देखना है कि कोलाइडी विलियन के अंदर जो कोलाइडी कण जिस प्रावस्था में वितरित होते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं जबकि दूसरी प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं जिसे हम परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं जिस प्रकार एक वास्तविक विलियन में विलायक होता है उसी प्रकार कोलाइडी विलियन में परिक्षेपण माध्यम होता है उदाहरण के लिए हम कोपर के जल में कोलाइडीविलियन के लिए कोपर के कण प्रावस्था होंगे जबकि जल एक परिक्षेपण माध्यम होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि इनकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकती है चूंकि तीन प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं ठोस द्रव एवं गैस तो इनके कुल प्रकार से हम देख सकते हैं कि आठ प्रकार के संयोजन हो सकते हैं जैसे कि प्रक्षेपण माध्यम ठोस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है तो उसे ठोस कहेंगे यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है प्रक्षेपण माध्यम द्रव है उसे सोल कहेंगे। पेंट कोशिका तरल इसी प्रकार से अन्य संयोजन भी आप इस में देख सकते हैं जहाँ पे ठोस के साथ गैस द्रव के साथ ठोस द्रव के साथ द्रव द्रव के साथ गैस एवं गैस के साथ ठोस गैस के साथ द्रव ये भिन्न भिन्न प्रकार के कोलाइडीविलियनों का निर्माण करते हैं और उनके उदाहरण भी आप देख सकते हैं कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण दृश्यता के आधार पर भी किया जा सकता है जैसे यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो तो उस सोल को हम हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहेंगे यह एक कोलाइडी तंत्र का नाम है यदि प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो उसे बेंजोसोल कहा जाएगा यदि प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो उसे एल्कोसोल एवं यदि वायु हवा है तो उसे एरोसोल कहा जाएगा यहाँ पर मुख्यतः काम में आने वाले प्रक्षेपण माध्यमों की चर्चा की गई है प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया हुआ है द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी द्रव स्नेही जैसा कि इसके नाम से ही सूचित है कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन उन्हें कहेंगे जिसमें प्रक्षेपण प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य स्नेह होता है मतलब दोनों के मध्य कुछ बंधन पाए जाते हैं जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है जैसे कि जिलेटीन स्टार्च गोंद, प्रोटीन का जल में प्रक्षेपण ये सभी द्रव स्नेही प्रकार के कोलाइडी विलियन है वे कोलाइडी विलियन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था का प्रक्षेपण माध्यम के साथ कोई आकर्षण नहीं होता उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड विलियन कहते हैं और इन्हें बनाना बड़ा मुश्किल होता है इन्हें सामान्य विधियों से नहीं बनाया जा सकता इन्हें बनाने के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है शांता जैसा कि हम जानते हैं विलायक का गुण होता है शांता और द्रव प्रावस्था के साथ आकर्षण होता है इसलिए द्रव स्नेही सोल की शांता मुक्त विलायक की तुलना में या शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होती है जबकि द्रव विरोधी सोल में इसकी शांता के लगभग समान होती है यदि हम प्रस्तनाव की बात करें तो चूंकि प्रस्तनाव भी एक शुद्ध का गुण है और यहां पर माध्यम या मैं कह दू जो है, उसका आकर्षण प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के साथ होता है इसलिए इसका प्रस्तनाव शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है जबकि द्रव विरोधी सोल में प्रश्न लगभग प्रक्षेपण माध्यम या विलायक के समान होता है जलयोजन या विलायकीकरण ये सारा का सारा जितने भी अंतर आप द्रव स्नेही सोल एवं द्रव विरोधी सोल में देखेंगे ये इसी बात पर निर्भर करते हैं कि परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण है या नहीं है क्योंकि यदि आकर्षण होगा तो जलयोजन होगा जलयोजन का मतलब कि वहां पर विलाय के रूप में जल है या विलाय के रूप में विलायकीकरण होगा तो विलायक के रूप में प्रक्षेपण माध्यम का प्रक्षिप्त प्रावस्था के साथ में आकर्षण है जबकि यहाँ पे कोई आकर्षण नहीं है द्रव विरोधी सोल में इसलिए यहाँ पे जल योजन कम होगा या बहुत ही निम्न होगा आवेश की बात करें तो चूंकि इसका निर्माण द्रव स्नेही सोल का निर्माण आसानी से कर लिया जाता है इसलिए यहाँ किसी आधुनिक विधि का उपयोग नहीं करना पड़ता इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवेश भी नहीं होता जबकि द्रव विरोधी सोल का निर्माण किसी आधुनिक विधि से किया जाता है जहां पे हमें समान आवेश उत्पन्न करना होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर इसलिए सामान्यतया द्रव विरोधी सोल या तो धनावेश होते हैं या फिर ऋणावेश होते हैं जिसका विगत अध्ययन हम आगे करेंगे दृष्टि गोचरता या मैं कह दू विजिबिलिटी क्योंकि द्रव ही सोल लगभग वास्तवनों के तरह होते हैं इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता जबकि द्रव विरोधी सोल के कणों का आकार कुछ अधिक होता है इसलिए इन्हें अति सूक्ष्म द्वारा देखा जा सकता है स्कंदन ये चूंकि स्थायी होते हैं इसलिए इनका स्कंदन करने के लिए अधिक विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है जबकि द्रव विरोधी सोल विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से ही अवक्षेपित हो जाते हैं टिंडल प्रभाव दोनों दर्शाते हैं परंतु द्रव स्नेही सोल कम प्रकीर्णित होते हैं जबकि द्रव विरोधी सोल अधिक प्रकीर्णित होते हैं विद्युत क्षेत्र में गमन हो भी सकता है या नहीं भी यह निर्भर करता है कि उन पर आवेश क्या है और कितना है जबकि द्रव विरोधी सोल के कणों पर आवेश होता है इसलिए ये एनोड एवं कैथोड की तरफ गमन करते हैं उदाहरण के रूप में देखें तो द्रव स्नेही सोल जैसे जिलेटिन स्टार्च सेलुलोज का विलियन है इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का परिक्षेपण माध्यम के साथ आकर्षण होता है स्नेह होता है इसलिए इनका निर्माण आसानी से होता है जबकि द्रव विरोधी सोल संक्रमण धातु का जलीय विलियन गोल्ड सोल इत्यादि होते हैं कोलाइडी विलियन बनाने की कई विधियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी जैसे यांत्रिक प्रक्षेपण वैद्युत प्रिक्षेपण अति प्राश्रवी प्रेपण पैप्टीकरण यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैप्टीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है द्रव विरोधी कोलाइडी विलियनों के निर्माण के लिए संगन या एग्रीगेशन विधि से भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं कुछ रासायनिक विधियां भी हैं जैसे द्विक विघटन विधि ऑक्सीकरण विधि अपचन विधि जल अपघटन विधि यांत्रिक परिक्षेपण एक बहुत ही सरल विधि है कोलाइडी के निर्माण की जिसमें हम कोलाइडी चक्की के अंदर निलंबन कणों को पीस लेते हैं और इनको बारीक कर कोलाइडी कणों की रेंज में पहुंचाते हैं जिससे कि कोलाइडी विलियनों का निर्माण होता है वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि यह विधि स्वर्ण चांदी या प्लेटिनम के कोलाइडी विलयनों को बनाने में प्रयुक्त होती है इसके लिए जिस प्रक्षेपण प्रावस्था के कणों का निर्माण हमें करना है जिस धातु के कणों का निर्माण करना है उसी धातु के इलेक्ट्रोडों को जल में उपयुक्त स्थायी कारक जैसे के को मिलाकर विद्युत स्फुरलिंग पैदा की जाती है जहाँ से इसकी वाष्प पैदा होती है विद्युत स्फुरलिंग के दौरान जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल रंग में जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं ये इलेक्ट्रोड उस धातु के हैं जिसका हमें कोलाइडी तैयार करना है इनके मध्य विभवांतर लगने के कारण यहाँ पर विद्युत पैदा होती है जिसके कारण अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है जिससे वह धातु पिघलने लगती है उसकी वाष्प उत्पन्न होती है और उस वाष्प को ठंडे जल में डालने पर इस जल को ठंडा करने के लिए जो कि एक परिक्षेपण माध्यम है नीचे बर्फ की परत लगाई जाती है और यहां पर इसको स्थायी कारक की की साथ मिलाया जाता है जिससे कि हमें उस धातु का कोलाइडी प्राप्त होता है जल को को ठंडा रखने के लिए हमने बताया आपको कि पात्र बर्फ में रखा जाता है अत्यधिक उष्मा धातु के कुछ भाग को वाष्पित कर देती है जो ठंडे जल में संगठन होकर कोलाइडीकरण देते हैं उदाहरण प्लेटिनम सिल्वर कॉपर गोल्ड सोल का निर्माण इसी विधि से किया जाता है पेप्टीकरण यह है एक महत्वपूर्ण विधि है इस विधि द्वारा द्रव विरोधी कोलाइडी विलियनों का निर्माण किया जाता है इस विधि में सबसे पहले हम एक अवक्षेपित परीक्षित प्रावस्था को तैयार करते हैं और इस परीक्षित प्रावस्था को माध्यम में घोलने के लिए जिस विद्युत अवघट का उपयोग किया जाता है उसे पैप्टी कारक कहते हैं जैसे कि हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि ताजा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड एफ का जो अवक्षेप है वह प्रक्षिप्त प्रावस्था का काम करेगा और इसका विलायकन परिक्षेपण माध्यम में किया जाएगा जिसके लिए हमें एक पेप्टिक कारक चाहिए जो फेरिक क्लोराइड होगा यहाँ पर यह ध्यान दिलाना उचित होगा कि पेप्टिक कारक का चुनाव परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर किया जाता है जैसे कि मैं कहूँ आपका यहाँ पे प्रिक्षिप्त प्रावस्था फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो हमें एक ऐसा विद्युत अबगट का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें इन इस प्रक्षिप्त प्रावस्था का कोई सम आयन उपस्थित हो जैसे मैं ये कह सकता हूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में दो प्रकार के आयन होते हैं एक Fe+3 ई प्लस थ्री और एक ओ एच माइनस तो मुझे एक ऐसा पेप्टिकारक लेना पड़ेगा जिसमें या तो Fe+3 ई प्लस थ्री हो या फिर ओ एच माइनस हो इसलिए मैंने यहाँ पर फेरिक क्लोराइड लिया है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर Fe+3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक सम आयन है ताजा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर उसके समायन जो कि Fe+3 आयन है जो उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित है वह उस पर अधिशोषित होता है एवं सभी धनायन अधिशोषित होने के पश्चात धनायन कौन से Fe+3 आयन अधिशोषित होने के पश्चात उनके मध्य प्रतिकर्षण उपस्थित होगा और वह धीरे धीरे उस पूरे संपूर्ण अवक्षेप को जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा एवं वो छोटे छोटे टुकड़े उस कोलाइडी कणों की रेंज में होते हैं जो एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होती है इस प्रकार हम पेप्टीकरण की विधि से द्रव विरोधी कोलाइड विलियनों का निर्माण करते हैं ये स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि सभी कोलाइडी कणों पर एक जैसा आवेश है क्योंकि सभी फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों पर एफी प्लस थ्री आयनों का अधिशोषण हुआ है इसलिए सभी एक जैसा आवेश रखते हैं इसलिए ये धनावेश प्रकार के कोलाइडी विलियन भी कह सकते हैं संगनन विधियों से भी हम कोलाइडी विलियनों का निर्माण कर सकते हैं जैसे कि रासायनिक विधियां हैं आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाना आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराने पर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल हमें मिल जाता है यह एक रासायनिक विधि है जिसके द्वारा कोलाइडी विलियनों का निर्माण किया जा सकता है इसी प्रकार हम सल्फर सोल का निर्माण कर सकते हैं कि जब हम SO2 से सल्फर का निर्माण करते हैं यह विधि सल्फर डाइऑक्साइड के विलियन में H2S गैस प्रवाहित करके सल्फर कोलाइडी विलियन को प्राप्त किया जाता है अपचन के द्वारा भी हम कोलाइडी विलियनों का निर्माण कर सकते हैं जैसे कि धातु सोना चांदी प्लेटिनम इत्यादि के कोलाइडी विलियन किसी अपचाई की अपक्रिया द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं आप देख सकते हैं गोल्ड का क्लोराइड जो लवण है उससे हम गोल्ड सोल प्राप्त कर रहे हैं एक अपचन विधि के द्वारा जल अपघटन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफ़ का ताजा अवक्षेप एक द्रव विरोधी कोलाइड विलियन का निर्माण करता है तो उसी प्रकार हम फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करके भी फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं शेष एफ ई थ्री यहाँ पर पेप्टिकार का कार्य करेगा और उससे आपको द्रव विरोधी कोलाइड विलयन प्राप्त होगा कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण कई विधियों के द्वारा किया जा सकता है जैसे कि अपोहन सूक्ष्म छनन अति अपकेंद्रण अपोहन का मतलब क्या है अभी हमने पूर्व में देखा कि हम जब द्रव विरोधी कोलाइड विलियनों का निर्माण करते हैं तो उसमें वैद्युत अपघटे की सूक्ष्म मात्रा हमें मिलानी पड़ती है जो एक पैप्टिकारक की तरह भी व्यवहार करता है तो चूंकि इसमें कोलाइडी कणों के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं इसलिए उसे शुद्ध करना आवश्यक है तो इसमें से प्रथम विधि है अपोहन अपोहन में क्या है कि यहाँ पर एक अपोहक बैग लिया जाता है जिसे अपोहक झिल्ली भी कहते हैं अब इस झिल्ली में से वास्तविक विलियन के कण तो गुजर सकते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं गुजर सकते क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से अधिक होता है तो जब इसको जल की धारा से प्रवाहित किया जाता है तो इस झिल्ली में से अशुद्धि के जो कण हैं या मैं कह दूं वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अंदर केवल कोलाइडी कण ही रह जाते हैं बाद में इन कोलाइडी कणों को किसी उचित प्रक्षेपित प्रावस्था में डालकर कोलाइडी विलयन तैयार कर लिया जाता है सूक्ष्म छनन इस प्रक्रिया में ताजा तैयार कोलाइडी विलियन का किसी फिल्टर के द्वारा छनन किया जाता है क्योंकि इस फिल्टर के जो रंध्र होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि जिनमें से अशुद्धियों के कण तो निकल सकते हैं परंतु कोलाइडी विलियनों के कण नहीं निकल सकते इस प्रकार हम इन फिल्टर पेपर से उस कोलाइडीविलियन को छानकर अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं अति अपकेंद्रण भी एक प्रक्रिया है कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण करने के लिए इस विधि के अंदर अति अपकेंद्रण यंत्र में कोलाइडी विलियन को डाला जाता है और तेजी से घुमाया जाता है जिससे कोलाइडी कण भारी होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं जबकि अशुद्धियां हल्की होने की वजह से ऊपर तैरती रहती हैं जिसके बाद में इन अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है एवं इन कोलाइडी कणों के लिए उचित प्रक्षेपण माध्यम में डालकर एक शुद्ध कोलाइडी विलियन तैयार किया जाता है तो अभी तक हमने देखा कि कोलाइडी क्या होते हैं और यह कोलाइडी एवं निलंबन विलियनों से कैसे भिन्न होते हैं, हैं हमने यहां पर दो प्रकार के होते हैं जैसे द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड दोनों में क्या अंतर होता है इनमें मुख्य अंतर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य उपस्थित स्नेह या आकर्षण पर होता है जैसा कि हमने देखा कि द्रव स्नेही विलियन के मध्य दोनों प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण उपस्थित होता है जबकि द्रव विरोधी में कोई आकर्षण उपस्थित नहीं होता जिससे कि इनके कई भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता पाई जाती है जैसे कि शांता पृष्ठ तनाव टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति कई ऐसे गुणधर्म हमने देखे जो दोनों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं उसके बाद में हमने अध्ययन किया कि हम कोलाइडी विलयनों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि यांत्रिक प्रक्षेपण वैद्युत प्रक्षेपण पेप्टीकरण, ऑक्सीकरण द्विक अपघटन अपचन इत्यादि ये सारी विधियाँ हम अब तक पढ़ चुके हैं अब आगे हम कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे एवं इनका किस प्रकार से स्कंदन कर सकते हैं कैसे इनका रक्षण कर सकते हैं एवं दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार ये उपयोगी हैं ये सब अब आगे पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं ये विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं समान रूप से विलयन में वितरित नहीं होते हैं दृश्यता कोलाइडी कणों को नग्न आंखों या दर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता परंतु इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं क्योंकि जब प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कणों द्वारा होता है तो इनकी लंबवत दिशा में हम इनका प्रकाश पुंज देख सकते हैं कोलाइडी कण सामान्य फिल्टर पत्र से गुजर सकते हैं परंतु ये चर्म पत्र या अन्य महीन महीनियों से नहीं गुजर सकते क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से अधिक होता है प्रश्न शांता जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलयनों का प्रश्न शांता वास्तविक विलयनों या मैं कह दू से भिन्न होता है रंग कोलाइडी विलयनों का रंग जल विरोधी सोल का रंग इनके परिक्षिप्त कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है यानी कि प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कणों के आकार तथा इनकी प्रकृति पर निर्भर करती है ब्राउनी गति कोलाइडी विलयनों को अति सूक्ष्म दर्शी में देखने पर हमें ज्ञात होगा कि कोलाइडी कण टेढ़ी मेटी गति करते हैं जिसे ब्राउनी गति भी कहते हैं यह गति कोलाइडी कणों के आकार एवं विलयन की शांत पर निर्भर करती है अणुसंख्यक गुणधर्म ये हम देख सकते हैं कि ये वे, वे गुणधर्म होते हैं जो केवल विलय या मैं कह दूं परिप्त प्रावस्था के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोलाइडी कण का आकार अधिक होता है इसलिए इनके अणुओं की संख्या कम होगी यदि मैं समान आयतन की बात करूं तो वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन में अणुओं की संख्या कम होती है इसलिए इनके अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक विलियन की तुलना में कम होते हैं प्रकाशिक गुणधर्म कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं टिंडल प्रभाव का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण या मैं कह दूं प्रकाश का पुंज कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है ये हम किसी अंधेरे कमरे के अंदर जब सूर्य प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रवेश करती है तो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर जब उस प्रकाश के पुंज को लंबवत देखा जाता है तो एक टिंडल कोण दिखाई देता है जो टिंडल प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं आकाश एवं जल का नीला रंग होना धूमकेतुओं की पूछ का दृष्टिमान होना तारों का चमचमाना ये सभी प्रकाशिक गुणधर्म टिंडल प्रभाव की वजह से दिखाई देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत जब किसी कोलाइडी विलियन से गुजारा गया तो सूक्ष्मी या आंख को लंबवत रखने पर टिंडल शंकु दिखाई देता है कोलाइडी कणों पर आवेश, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी तैयार करते समय पेप्टी कारक के रूप में हमें वैद्युत अवगट काम में लेना होता है इन्हीं वैद्युत अवगटों के अधिशोषण के कारण उन पर आवेश होता है यह आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है यह चयनात्मक अधिशोषण पर निर्भर करता है आप देख सकते हैं इस सारणी में धनावेशित के उदाहरण हैं एवं के भी उदाहरण हैं। इन सभी का निर्माण आधुनिक विधियों के द्वारा किया जाता है अब हम बात करेंगे वैद्युत दोहरी परत का वैद्युत दोहरी परत के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रथम परत होती है वो तो पहले से ही उपस्थित है क्योंकि जब हमने इन कोलाइडी विलियनों का निर्माण किया तो चयनात्मक अधिशोषण के कारण धनायन और ऋणायनों की परत उपस्थित होती है परंतु यह परत अपने से विपरीत धनायन या ऋणायन को माध्यम माध्यम कौन सा प्रक्षेपण माध्यम से आकर्षित कर लेती है और एक दूसरी परत तैयार कर लेती है इन धनायनों एवं ऋणायनों की दोहरी परत को हेलम परत कहा जाता है आधुनिक मत के अनुसार प्रथम परत तो अधिशोषित होती है इसलिए वह दृढ़ता से जुड़ी रहती है परंतु दूसरी परत गतिमान होती है जिसे विस्तृत परत भी कहते हैं स्थायी या सुगठित एवं विस्तृत परतों के इस संयोजन को स्टर्न दोहरी परत कहते हैं क्योंकि प्रथम परत तो स्थायी परत है एवं द्वितीय परत चलायमान है इसलिए यह विस्तृत परत सतह पर ढीली बंदी होती है एवं जब इसको वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं तो यह विपरीत दिशा में गति करती है अर्थात विपरीत आवश्यक इलेक्ट्रोडों की तरफ यह कण गति करते हैं स्थायी परत एवं विस्तृत परत के मध्य विध्वान्तर उत्पन्न होता है जिसे हम जीटा विभव भी कहते हैं वैद्युत कण संचलन क्योंकि कोलाइडी विलियन के ऊपर आवेश होता है कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित होता है तो यदि इस कोलाइडी विलियन जिसमें कोलाइडी कण आवेशित होते हैं को दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत छत्र लगाकर रखा जाए तो कोलाइडी कण उन इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे जिन पर उन कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेशित होगा अतः इसे हम विद्युत कण संचरण भी कहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर AgI जो ठोस है जो कोलाइडी कण है उसके ऊपर आयडाइड आयन अधिशोषित है जिसे हम दृढ़ परत कहेंगे जबकि पोटेशियम आयन की विस्तृत परत उपस्थित है तो विस्तृत परत उपस्थित होने के कारण यह विपरीत आवेश इलेक्ट्रॉनों की तरफ गमन करती है देख सकते हैं आप गमन के अनुसार वैद्युत संचरण को कैटाफोरेसिस या एनाफोरेसिस भी कहते हैं यह डिपेंड करता है कि यह किस आवेश की तरफ गमन कर रही है वैद्युत पराशरण वैद्युत क्षेत्र में प्रिक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रावस्था के विपरीत दिशा में गमन करता है इस घटना को वैद्युत पराशरण भी कहते हैं क्यों क्योंकि प्रक्षिप्त परावस्था पर एक विशेष आवेश उपस्थित होता है जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने के कारण उसे वैद्युत पराशरण भी कहा जाता है तो इस प्रकार हमने देखा कि कोलाइडी विलियनों में क्या क्या गुणधर्म उपस्थित होते हैं कैसे ये वास्तविक विलियनों से भिन्न होते हैं जैसे कि प्रकाशिक गुणधर्म टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति उसकी प्रश्ननाव शांता कैसे शुद्ध विलायकों की तुलना में अलग होती है इसी प्रकार हमने इनके अणुसंख्यक गुणधर्मों का भी अध्ययन किया जो वास्तविक विलियनों की तुलना में कम होते हैं इसके अलावा कोलाइडी विलयनों के ऊपर आवेश कैसा होता है धनावेश कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलियन कौन कौन से होते हैं इसके अलावा इनकी स्थाई परत क्या होती है विस्तृत परत क्या होती है जीटा विभव क्या होता है वैद्युत कर्ण संचलन हमने देखा इसके अलावा वैद्युत पराशरण भी हमने देखा इसके आगे आने वाले भाग में हम इनके स्कंदन मान गोल्ड संख्या हार्डी सुलझे का नियम बहुआणविक कोलाइडी विलियन संगुणित कोलाइडी विलियन मिसेल एवं कोलाइडी विलियनों के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे आज के लिए इतना ही आप सभी को नमस्कार